प्यारे दोस्तों, जल्द ही साल 2023 की शुरुआत होने वाली है। हर साल की तरह इस बार भी बड़े व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन नए साल का सबसे पहला पर्व जो है मकर संक्रांति होता है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण, पूर्वी उत्तर में खिचड़ी और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन के मौके पर मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साल 2023 में मकर संक्रांति की जो सही तिथि है उसको लेकर थोड़ा सा संशय है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए मकर संक्रांति 2023 का शुभ मुहूर्त जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदयातिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति नए साल में 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी तिथि जिस दिन हमें मकर संक्रांति मनानी है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि कई लोग मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का कार्य करते हैं, पर जो भी भाई बंधु नहीं करते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन आप गरीब को अनाज का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, तिल के लड्डुओं का दान कर सकते हैं, और जो भी आप धन का, कपड़ों का या अनाज का दान करते हैं वो आपको दोगुना फल देता है। तो प्यारे मित्रों, इस दिन काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि संभव हो सके तो गंगा स्नान को जाएं, अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने विचार मुझे जरूर बताएं। और साथ ही प्यारे मित्रों, यदि आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा और आपका रिश्ता इसी प्रकार से बना रहेगा, और कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आप तक स्वतः ही पहुंच जाएगा। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।